और इस वक्त खबर आ रही है कि आउटलुक ग्रुप के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। एडिटर इन चीफ और एडिटोरियल चेयरमैन थे विनोद मेहता आउटलुक के। उन्हें सांस की तकलीफ थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। आज उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, विनोद मेहता की पर्सनैलिटी, उनके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, विनोद मेहता देश के एक बेहतरीन संपादकों में से एक थे। रावलपिंडी में जन्म हुआ उनका, वहां से दिल्ली तक का उनका सफर जो था वो बेहद शानदार था। शुरू से अंत तक उन्होंने देश में 5 बड़े प्रकाशन संस्थान खोले, जिसमें से पत्र और पत्रिकाएं दोनों थी, जिसमें इंडियन पोस्ट, द पाइनियर और आउटलुक बेहद महत्वपूर्ण थे। संडे ऑब्जर्वर भी उन्होंने स्थापित किया था। इसके अलावा उनकी जो आर्टिकल्स का एक पब्लिकेशन आया वो भी बेहद महत्वपूर्ण था, बहुत चर्चित हुआ, जिसका नाम था मिस्टर एडिटर हाउ क्लोज यू आर टू द पीएम। और इसी तरीके से उनका एक मेमोयर आया जो लखनऊ बॉय नाम से आया था। इस तरीके की उनकी कई बुक्स हैं जो कि देश में काफी सराही गई हैं, और जो भारत की संपादकों की दुनिया है उनमें वो एक सितारे के रूप में हमेशा नजर आते थे। इन दिनों भी वो 73 साल की उम्र में भी बेहद सक्रिय थे। न्यूज आवर और 9 PM जैसे महत्वपूर्ण जो टीवी कार्यक्रम है उनमें अक्सर देखे जाते थे, और एक पैनलिस्ट के रूप में, एक पॉलिटिकल पैनलिस्ट के रूप में वो अक्सर देखे जाते थे। जी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। आलोक जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जो शख्सियत थी उनकी निजी जीवन में कैसी थी? वो जाने माने पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे और 73 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। इसके अलावा उनका जो निजी जीवन था उसमें किस तरह की शख्सियत थी विनोद मेहता जी की? विनोद मेहता एक बहुत बेहतर इंसान थे, और जितने ईमानदार पत्रकार मैंने अपनी पत्रकारिता के पिछले 40-45 सालों में देखे उनमें एक जाने माने, जो पुरानी पीढ़ी के जिसको कहना चाहिए, उस परंपरा को निभाने वाले, और पत्रकारों के साथ निजी जीवन में भी कहें या समाज में किसी के साथ जो मिलना है, जो सहजता होती है एक इंसान के नाते, उनमें कभी ये घमंड या गरूर नहीं आया कि वो मतलब एक बड़े संपादक हैं। वो एक इंसान अच्छे हैं और लोगों के प्रति एक सहज, एक बाल सुलभ उनमें एक उत्सुकता हमेशा रहती थी, जो बहुत ही कम ऐसे बड़े संपादकों में देखी जा सकती है। एडिटर्स गिल्ड के वो अध्यक्ष भी रहे। मैंने तो उनके साथ हिंदी आउटलुक जब निकाला तो खुद उन्होंने पहल की कि हिंदी में आना चाहिए उस समय, और उसके बाद टेलीविजन में भी जाने में उनको पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि नहीं, इससे एक अपनी पत्रकारिता को समाज में उस टेलीविजन के माध्यम से भी ज्यादा पहुंचा जा सकता है, तब उन्होंने टेलीविजन के लिए इंटरव्यू देना शुरू किए। अब उन्हें लगा वो अपने को लो प्रोफाइल रख करके बड़े से बड़े काम करना, और किसी भी मतलब प्रोफेशनल एथिक्स तो उनके इतने अच्छे थे, कहना चाहिए श्रेष्ठतम, कि वो किसी के साथ कोई फेवर नहीं, कोई पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं, संबंध सबके साथ रहते हुए भी उनको माना जाता था, और वो कहते भी थे कि भाई सोनिया, लोग माना जाता था भाई हम उनके बड़े क्लोज हैं, लेकिन अटल जी भी उनकी उतनी इज्जत करते थे जितनी सोनिया गांधी या सीताराम येचुरी भी उतनी इज्जत करते थे जो मुलायम सिंह यादव जी, और जिनके खिलाफ भी कभी भी उन्होंने छापा, उनके प्रति व्यक्तिगत कभी दुर्भावना नहीं रखना ये बहुत बड़ी बात है। उनकी आलोचना को वो सहते थे, अपने के अपना खुद का मजाक उड़ा लेना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दिन रात मेहनत करना, जो एक ट्रेनी जर्नलिस्ट भी जितना नहीं करता है उतना वो वरिष्ठ प्रधान संपादक रहते हुए भी अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी अखबार उन्होंने निकाले उसमें उस तरह से उसको काम किया, और पत्रकारों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष, जब उनके यहाँ छापे डाले गए, कई बार उनको परेशानी आई इस तरह की, सरकारों ने भी तंग किया या मालिकों ने तंग किया, तो उन्होंने अपनी निष्पक्ष भाव बनाए रखा और उस पर संघर्ष किया, नौकरियां छोड़ी, बदली, त्याग पत्र दिए, फिर नए अखबार स्थापित किए और एक नए मानदंड बनाए। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये साझा करने के लिए कि किस तरह की शख्सियत विनोद मेहता रहे। ये बेहद बड़ी क्षति है, वरिष्ठ पत्रकार थे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर के मिश्रा जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो विनोद मेहता के साथ काम भी कर चुके हैं। आर के मिश्रा जी, आपको क्या याद आता है जिस वक्त आप काम किया करते थे विनोद मेहता के साथ? तो जैसे ये सुना भी हमने और महसूस भी किया, क्योंकि अभी भी तक भी विनोद मेहता सक्रिय थे, कि वो बेहद मेहनती शख्सियत थे। बिल्कुल, शुरू से ही जब पायनियर दिल्ली में लॉन्च हुआ, उससे पहले की जो विनोद जी ने, मेहता साहब ने अपनी टीम इकट्ठा की थी उसमें सिलेक्टेड सब लोग इकट्ठे किए थे, गुजरात से मैं भी था,
और उनके साथ काम करने का मुझे हासिल हुआ कि मैं एंड तक तकरीबन आउटलुक के उस तक अभी तक बल्कि ये समझ लीजिए कि आउटलुक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक तरीके से कहिए तो ही वो जो रिपोर्टर्स एडिटर अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत कम बोलते थे, लेकिन आपको वो उतने छोटे से में वो क्या चाहते थे वो बता देते थे और उनके अपने यार्ड स्टिक्स बहुत स्ट्रांग थे, रिपोर्टर्स से उनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग होती थी। 24 घंटे यू हैड बी अलर्ट, आपको तैयार रहना पड़ता था, वो किसी भी वक्त उनके फोन आ जाते थे या वो किसी को कह देते थे आपको फोन करते थे और उनको बस ऐसा था कि उसी वक्त वो चीज चाहिए होती थी जी। तो आप किसी भी टाइम भी विनोद मेहता साहब के साथ काम कर रहे हो आप एकदम रिलैक्स होकर आनंद में कभी नहीं बैठ सकते थे, आपको यू हैड टू कीप ट्रैक ऑल द टाइम टू बी वर्किंग विथ हिम। एंड ये मैं कहूंगा कि पत्रकारिता का आनंद रहा है जी। शुक्रिया आपका आरके मिश्रा जी, आपने भी जो जानकारी साझा की हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीए के महासचिव एनके सिंह जी जुड़ रहे हैं। एनके सिंह जी, विनोद मेहता हमारे बीच नहीं रहे, आपकी प्रतिक्रिया? मैं ये कहूंगा कि मैंने विनोद जी के साथ काम किया है और उतना अद्भुत एडिटर भारत के इतिहास में शायद मिलना मुश्किल होगा। जब पायनियर लॉन्च हुआ था तो मैं उनके साथ था और मुझे ये मालूम है कि जिस तरह की टीम उन्होंने खड़ी की थी वो आज भी भारत के लिए एक मिसाल थी उस जमाने में। और एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता के लिए जो मुझे लगता है कि फिर आने वाले दिनों में पूरा होना मुश्किल है। एक बहुत बड़ी क्षति है, विनोद जी का जो बेबाक टिप्पणी होती थी, उनके कमेंट्स होते थे, उनका ज्ञान, ये हम लोग देख के उनसे सीखा करते थे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के इतिहास में शायद इस तरह का एडिटर जो अपने बेबाकी के लिए मशहूर था कोई दूसरा नहीं था। तो उनके निधन से मुझे लगता है कि पत्रकारिता का जगत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जो शायद अपूर्णीय है। जी शुक्रिया एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बीए के महासचिव थे लेकिन ये काफी बड़ी क्षति है, वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता का एम्स में निधन हो गया है। सांस की तकलीफ से वो पीड़ित थे और उन्हें हार्ट अटैक हुआ एम्स में आज ही। 73 साल की उम्र में विनोद मेहता का निधन।